सो लो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो अगर अभी आप एक लैपटॉप लेने का सोच रहे हो, वो भी अंडर 40,000 बजट के अंदर, तो आपको मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई जो है पुराना प्रोसेसर के साथ आता है, किसी के अंदर आप रैम या फिर स्टोरेज अपग्रेड नहीं कर सकते, और कोई कोई लैपटॉप तो है सिंगल बैंड वाईफाई के साथ होता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ क्रेजी लैपटॉप्स जो आपको अंडर 40,000 देखने में मिलेगा, और हर एक लैपटॉप के अंदर आप रैम एक्सटेंड कर सकते, जिससे कि लैपटॉप बहुत हद तक फ्यूचर प्रूफ बन जाता है। इवन ये सारे लैपटॉप जो है इंटेल के लेटेस्ट 12 एंड 13 जेन प्रोसेसर के साथ आता है, 12 एंड वाईफाई मिलता है आपको, ब्लूटूथ के साथ साथ बहुत सारे और भी फैसिलिटीज इस सीरीज के अंदर, इस अंडर 40,000 लैपटॉप्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए हर हफ्ते टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वालिटी वीडियोस लाता रहता हूं। तो किसी भी लैपटॉप को सिलेक्ट करने से पहले मैंने कुछ क्राइटेरिया बनाया था, जो लैपटॉप्स उन क्राइटेरिया को पूरी तरीके से फुलफिल करते उसको बस मैंने चेकलिस्ट किया। तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है डिस्प्ले के अंदर, तो डिस्प्ले के अंदर आपको मिनिमम 15.6 इंच का डिस्प्ले साइज होना चाहिए, उसके साथ फुल HD रेजोल्यूशन जो आपको डिस्प्ले के अंदर होना चाहिए, बिकॉज अगर आप 40,000 तक पे कर रहे हो तो मिनिमम क्राइटेरिया तो इतना बनता है। सेकेंड है प्रोसेसर, तो अगर आप 2023-24 के अंदर कोई भी लैपटॉप परचेस करते हो तो आप पुराने CPUs की तरफ मत जाओ, जैसे कि इंटेल 11 सीरीज या फिर राइजन के अंदर 3000 सीरीज, आप ऑलवेज लेटेस्ट जैसे कि इंटेल 12 सीरीज, 13 सीरीज या फिर राइजन के अंदर जो आते हैं 5000 सीरीज या फिर 7000 सीरीज के लैपटॉप के पास जाओ इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। थर्ड नंबर इज रैम एंड रोम टाइप, तो बेसिकली आपको मिनिमम 8GB का रैम होना चाहिए, उसके साथ आप रैम अपग्रेड कर सको उसका भी ऑप्शन आपको होना चाहिए, और अगर हम स्टोरेज की बात करें तो SSD तो कंपलसरी। तो नेक्स्ट आता है बैटरी, तो मिनिमम आपको 6 आवर्स का जो है बैटरी बैकअप मिलना चाहिए किसी भी लैपटॉप से, उसके साथ डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, MS ऑफिस ये तो कंपलसरी हो ही जाता है। सो फर्स्ट जो लैपटॉप है मेरे लिस्ट के अंदर वो है Acer Aspire Lite, इसके अंदर आपको 15.6 इंचेस FHD प्लस 60Hz 16:9 नैरो बेजल वाला डिस्प्ले मिलता है, जिसके डिस्प्ले को आप अप टू 180 डिग्री तक फोल्ड कर सकते हो, और ये लैपटॉप जो है फुल मेटल बॉडी के साथ आता है। इवन अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर आपको इंटेल i3-1215U प्रोसेसर मिलता है, जिसके अंदर आपको 3.3 GHz का बेस क्लॉक स्पीड एंड अप टू 4.4 GHz का बूस्ट क्लॉक स्पीड मिलता है, और ये प्रोसेसर 6 Core 8 Thread के साथ आता है, जिसके अंदर आपको 4 E-Cores एंड 2 P-Cores देखने को मिलता है, और इस प्रोसेसर के अंदर आपको 10MB का L3 कैशे भी मिलता है, और इस प्रोसेसर का जो TDP है मिनिमम जो TDP है वो 15W और अप टू ये जो 55W तक या फिर मैक्स जो है 55W तक पावर कंज्यूम कर सकता है। अगर हम रैम एंड रोम टाइप की बात करें तो इसके अंदर आपको DDR4 बेस्ड 8GB की रैम देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको 3200 MHz वाला फ्रिक्वेंसी मिलता है, और इसके अंदर आप अप टू 32GB तक जो है रैम एक्सपेंड कर सकते हो। अगर हम स्टोरेज की तरफ देखें तो वहाँ पर आपको SSD तो डेफिनेटली मिलता है, वो भी 512GB का, और इसके अंदर भी आप SSD भी अप टू 1TB तक अपग्रेड कर सकते हो। और अगर हम बाकी फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 3-cell बैटरी देखने को मिल जाता है, लिथियम आयन बैटरी, जिसके अंदर आपको मैक्स 7-8 hours का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, कंपनी क्लेम करते 11 hours, लेकिन मुझे लगता है 7-8 hours इजीली आपको ये लैपटॉप बैटरी बैकअप दे देगा, और इस लैपटॉप को जो वेट है अप्रॉक्स 1.6 kg के आसपास। उसके साथ इस लैपटॉप के अंदर आपको जो है Type-C पोर्ट का भी सपोर्ट मिलता है, और ये लैपटॉप फुल साइज कीबोर्ड के साथ आता है, और इस लैपटॉप के अंदर आपको एक वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 8GB रैम एंड 512GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 32,990 rupees, और सभी लैपटॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन अंदर मिल जाएगा, जिसके अंदर जाके आप हर एक लैपटॉप को चेकआउट कर सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ, जो कि HP की तरफ से HP 15S, इसके अंदर आपको 15.6 इंचेस FHD माइक्रो एज LED 250 nits पीक ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले मिलता है, जिसके अंदर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट, 45% NTSC एंड एंटी ग्लेयर कोटिंग भी मिलता है। अगर हम देखें इसके चिपसेट की तरफ तो इसके अंदर आपको इंटेल 12 जेन i3-1215U 6 Core 8 Thread का प्रोसेसर मिलता है, जिसके अंदर आपको 2 P-Cores एंड 4 E-Cores मिलता है, और इस प्रोसेसर का जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो 3.3 GHz एंड ए बूस्ट होकर आप टू 4.4 GHz तक जा सकता है, और ये प्रोसेसर जो है 10MB L3 कैशे के साथ भी आता है। अगर हम इसके रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर आपको DDR4 8GB का बेस रैम देखने को मिलता है, और इसके अंदर आप टू अप 16GB तक रैम एक्सटेंड कर सकते हो, और रैम फ्रीक्वेंसी जो है 3200 MHz, और स्टोरेज के अंदर आपको SSD देखने को मिलता है 512GB की। अगर हम बैटरी कैपेसिटी और मतलब बैटरी बैकअप की बात करें तो इसके अंदर आपको 41 Wh का बैटरी देखने को मिलता है, जो कि 0-50% बस 45 मिनट्स के अंदर चार्ज हो सकता है, और ये अप्रॉक्स आपको 7 आवर्स तक बैटरी बैकअप इजीली दे सकता है। इस लैपटॉप के अंदर आपको 720p HD वेबकैम देखने को मिलता है, उसके साथ इस लैपटॉप का जो वेट है 1.6
69 मतलब 1.7 किलो के आसपास। और ये लैपटॉप जो है HDMI 1.4 के साथ भी आता है। अगर हम कीबोर्ड की बात करते हैं, यहाँ पर आपको बैकलेट फुल साइज चिकलेट कीबोर्ड देखने को मिलता है और ये लैपटॉप MS Office 2021 लाइफ टाइम फ्री एक्सेस के साथ आता है। और अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो इस लैपटॉप को जो प्राइस होगा 38,990 रुपीज और इस लैपटॉप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन अंदर मिल जाएगा। तो अब बढ़ते थर्ड लैपटॉप की तरफ जो कि Acer की तरफ से Acer Aspire 5। इसके अंदर आपको 15.6 इंचेस FHD डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसके अंदर 60Hz रिफ्रेश रेट एंड 45% एटीएससी देखने मिलता है। अगर हम इसकी प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर आपको लेटेस्ट इंटेल 13 जेन का सीपीयू देखने को मिलता है जो कि है i3-1315U और इस प्रोसेसर का जो बेस क्लॉक स्पीड है 3.3 GHz और बूस्ट क्लॉक स्पीड है 4.5 GHz। इसके अंदर आपको 10MB L3 कैशे भी मिलता है। अगर मैं इसके रैम टाइप की बात करूँ तो इसके अंदर आपको लेटेस्ट LPDDR5 रैम देखने को मिलता है जो कि 8GB के साथ आता है। इवन इसके अंदर आपको PCL Gen 4 SSD देखने को मिलता है जो कि 512GB का है। इवन इसके अंदर आपको 50Wh का बैटरी देखने को मिलता है जिसको आप 65W के फास्ट चार्जर से चार्ज कर सकते हो और इसका बैटरी लाइफ लगभग आपको 7-8 hours इजीली मिल जाएगा। अगर मैं कनेक्टिविटी के पास देखो तो इसके अंदर आपको लेटेस्ट वाईफाई 6 मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिलता है, USB 3.0 का दो पोर्ट देखने को मिलता है, एक USB 2.0 का पोर्ट मिलता है, थंडरबोल्ट का भी सपोर्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है। अगर मैं कीबोर्ड के पास देखो तो यहाँ पर आपको फुल साइज बैकलेट चिकलेट कीबोर्ड देखने को मिलता है और इस लैपटॉप के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड MS Office 2021 लाइफ टाइम फ्री एक्सेस के साथ आता है। और इस लैपटॉप का जो प्राइस है वो 36,990 रुपीज और इस लैपटॉप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन अंदर मिल जाएगा। तो बढ़ते टॉप 2 लैपटॉप की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे सब्सक्राइब बटन उसे प्रेस करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सेकंड नंबर पर जो लैपटॉप आता है वो Asus की तरफ से Vivo 15। इसके अंदर 15.6 इंचेस FHD IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 16:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है जिसके अंदर आपको 220 निट्स का पीक ब्राइटनेस, 60Hz का रिफ्रेश रेट एंड 45% NTC भी देखने को मिलता है जो कि एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ है जिसके मदद से रिफ्लेक्शन वगैरह इस लैपटॉप के अंदर आपको उतना ज्यादा विजिबल नहीं होगा। और अगर हम देखें इसके प्रोसेसर की तरफ तो इसके अंदर आपको इंटेल i3-1220P प्रोसेसर देखने को मिलता है। P सीरीज जो होता है वो U सीरीज से ज्यादा पावरफुल होता है। तो इस प्रोसेसर के अंदर आपको 10 कोर 12 थ्रेड देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको 2 P कोर्स एंड 8 E कोर्स मिलता है। उसके साथ एक प्रोसेसर जो है 12MB L3 कैशे के साथ आता है और इस प्रोसेसर का जो बेसिक फ्रीक्वेंसी है वो 3.3 GHz और ये बूस्ट होकर अप टू 4.4 GHz तक जा सकते हैं। अगर हम इस लैपटॉप की Asus Vivobook 15 की रैम की बात करें तो इसके अंदर आपको DDR4 8GB का बेस रैम देखने को मिलता है जिसको आप अप टू 16GB तक अपग्रेड कर सकते हो। उसके साथ इस लैपटॉप के अंदर आपको PCIe Gen 3 SSD देखने को मिलता है 512GB का। और अगर हम बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसके अंदर आपको 3 सेल 42 वाट का बैटरी देखने को मिलता है जिसको आप 65 वाट के फास्ट चार्जर से चार्ज कर सकते हो। और इस लैपटॉप के अंदर अप्रॉक्स आपको 6-7 hours का इजीली बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अगर मैं देखूँ इसकी कनेक्टिविटी की तरफ, इसके अंदर आपको डुअल वैन वाईफाई मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन 4.1 मिलता है, उसके साथ USB टाइप सी 3.2 मिलता है और HDMI 1.4 का भी सपोर्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो नेक्स्ट इज कीबोर्ड। तो इसके अंदर आपको चिकलेट फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफ टाइम फ्री एक्सेस के साथ आता है। इवन इसके अंदर आपको फिजिकल शटर देखने को मिलता है और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है जिसके मदद से लैपटॉप बहुत हद तक सिक्योर हो जाता है। और अगर हम इस लैपटॉप की प्राइसिंग की बात करते हैं, 8GB 512GB का जो प्राइस है 39,990 रुपीज और इस लैपटॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते नंबर 1 लैपटॉप की तरफ जो कि Lenovo की तरफ से IdeaPad Slim 3। इसके अंदर आपको 15.6 इंचेस FHD IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको 250 निट्स का पीक ब्राइटनेस, 60Hz का रिफ्रेश रेट एंड 45% एटीएससी मिल जाता है। अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करते हैं, इसके अंदर आपको इंटेल i3-1215U 6 कोर 8 थ्रेड का प्रोसेसर मिलता है जिसका बेस फ्रीक्वेंसी है 3.3 GHz एंड बूस्ट होकर आप टू 4.4 GHz तक जा सकता है और एक प्रोसेसर 10MB L3 कैशे के साथ भी आता है। अगर हम रैम की बात करते हैं, इसके अंदर आपको DDR4 बेस 8GB का रैम देखने को मिलता है जो कि 3200 MHz के साथ आता है और इसके अंदर आप अप टू 16GB तक रैम एक्सटेंड कर सकते हो। और स्टोरेज के अंदर इसके अंदर आपको 2 options मिलते हैं, 512GB एंड 256GB। अगर हम इसके बैटरी की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको 45Wh का बैटरी देखने को मिलता है इसको फास्ट चार्ज कर सकते हो और बैटरी बैकअप लगभग आपको 6 hours तक इजीली मिल जाएगा। अगर हम कनेक्टिविटी के पास देखें तो इसके अंदर आपको वाईफाई 6 ब्लूटूथ 5.1 मिलता है, 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं और टाइप सी भी मिलता है जो पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले पोर्ट 1.2 को भी सपोर्ट करता है। HDMI 1.4 का भी आपको सपोर्ट मिलता है। इवन इसके अंदर आपको फुल साइज कार्ड रीडर मिलता है। MS Office 2021 आपको लाइफ टाइम फ्री एक्सेस के साथ मिलता है। इवन इसके अंदर भी आपको फिजिकल शटर एंड डॉल्बी
जीबी एटमोस का भी सपोर्ट मिलता है। और अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो 256 GB वाला जो वेरिएंट है उसका प्राइस है 31,990 rupees एंड 512 GB वाला जो वेरिएंट है उसका प्राइस है 36,790 rupees। और सभी लैपटॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बस गाइस यही था वीडियो। होप सो कि जितने भी मैंने आपको लैपटॉप्स बताए आपको लैपटॉप्स पसंद आए, तो जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। बाकी मैं मिलूंगा किसी आपसे एक नए वीडियो में किसी क्वालिटी कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए साथ।